मैं हूं स्मार्ट फिट चला आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने परफॉर्मेंस कंट्रोल की मदद से अपने गेमिंग के लैग को कम कर सकते हैं, गेमिंग में पिंग कम कर सकते हैं और उसके साथ अपनी गेम को स्मूथली जो है वो स्मूथली जो है इसको चला सकते हैं। बैंडविड्थ कंट्रोल की मदद से आप कैसे भी काम कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ कि बैंडविड्थ कंट्रोल की मदद से आप अपने मोबाइल या जिस डिवाइस के ऊपर आप गेम खेलें उसको आप कंट्रोल्ड स्पीड जो है वो देंगे, स्पीड देंगे जिसकी मदद से आपकी स्क्रीन में जो है वो लैग नहीं आएगा, ऊपर नीचे अप डाउन नहीं होगी, जिससे आपकी गेम जो है वो स्मूथली चलेगी और आपका डाटा सेंड एंड रिसीव डाटा भी आपको प्रॉपरली जो है वो मिलता रहेगा। और बैंडविड्थ कंट्रोल आपको कैसे करनी है और किस किस मॉडेम में पीटीसीएल के मॉडेम में अवेलेबल है या इसके अलावा अगर जिस मॉडेम में पीटीसीएल मॉडेम में नहीं है तो आप किस मॉडेम राउटर लगाकर कौन सा राउटर लगाकर प्राइवेटली आप अपने डेडिकेटेड स्पीड अपने मोबाइल को दे सकते हैं। मैं बात करूँगा बैंडविड्थ कंट्रोल पीटीसीएल के किस मॉडेम में, तो सिर्फ वो एक मॉडेम है, इससे पिछले वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ हो गया अच्छा कि किस किस मॉडेम में पीटीसीएल में बैंडविड्थ की ऑप्शन है और किस में नहीं है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं और जिसमें नहीं है तो उसका क्या अल्टरनेट सोल्यूशन है। मैं यहाँ जस्ट बात करूँगा आपके लिए कि बैंडविड्थ कंट्रोल से आप अपने मोबाइल को जब डेडिकेटेड स्पीड दे देते हैं तो असल में होता ये है कि जब आप घर में जब आपका नेट इंटरनेट लगा होता है तो आपके तमाम मेंबर्स फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे आप जब गेम खेल रहे हैं तो आपको कभी स्पीड ज़्यादा मिलती है कभी कम मिलती है, लेकिन बाज़ अवकात ये भी होता है कि सिग्नल के कम ज़्यादा होने की वजह से आपको स्पीड का फर्क पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपको फिलहाल डेडिकेटेड स्पीड की। जब आप अपने इंटरनेट जब आप गेम खेल रहे हो तो अपने मोबाइल को जो है वो डेडिकेटेड स्पीड बैंडविड्थ कंट्रोल की मदद से दे देते हैं तो डेडिकेटेड स्पीड से जो है आपकी स्पीड में वाज़े फ़र्क आता है और आप जब अपने मोबाइल को कम से कम 2 MB डाउनलोड और 2 MB अपलोड देते हैं तो उससे आपकी नॉर्मल ब्राउजिंग की बड़ी फास्ट हो जाती है और गेम तो काफ़ी हद तक बेहतर हो ही जाती है, उससे आपका पिंग का काफ़ी हद तक मसला ख़त्म हो जाता है। ये मैंने खुद आजमा के देखा, खुद चेक किया मैंने। और अगर अब बात आती है कि बैंडविड्थ कंट्रोल हम कैसे करें तो इसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, अपने जिस मॉडल में बैंडविड्थ कंट्रोल की ऑप्शन है और आप गेमिंग करते हैं तो इसके लिए आप डेडिकेटेड स्पीड लाजमी दें। इसका एक बहुत और भी बेनिफिट ये है कि आप अपनी मर्जी से अपने यूज़र्स को जो है वो आप स्पीड दे सकते हैं। लेट्स सपोज आपने किसी के साथ शेयरिंग की हुई अप्रोच में और आप अपनी मर्जी से उसको स्पीड देना चाह रहे हैं, जब वो ज़्यादा कंज्यूम डाटा यूज़ करते हैं तो आप चाह रहे हैं कि जी मैं उसको वही स्पीड दूँ जो कि मैं चाहता हूँ, तो आप उसको अपनी मर्जी से भी डाउनलोड और अपलोड जो है उसको दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद नहीं आती या आपको समझ नहीं आती कि कैसे आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं तो आप बाकी भी वीडियोस को देख सकते हैं, उससे आपको बहुत आसानी से जो है सेटिंग करना आसान होगा, आप बहुत आसानी से जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। होप कि आपको बैंडविड्थ कंट्रोल के हवाले से तो ये आपको समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। आपका दोस्त आपका परेशान। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।